फैक्ट, फैक्ट रिफर टू समथिंग विच इज एक्चुअली हैपेंड, जो एक्चुअल में होता है वह फैक्ट है। इट कैन बी सब्जेक्टेड टू एम्पिरिकल स्क्रूटनी, इसका प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। एंड हुज एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी डिनाइड, इसके एग्जिस्टेंस को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि ये होता नहीं है, एक्चुअल में फैक्ट वो है जो एक्चुअल में होता ही है, और ये इंडिपेंडेंट है ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर है या नहीं है उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। फैक्ट एक्चुअल में होते क्या है, ये है प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट विच आर बिलीव्ड इन कॉमन, हम सभी इस चीज़ों को मानते हैं और उसकी फर्दर टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं समझते, तो वो फैक्ट है जिस जो चीज़ें पहले से कही गई जा चुकी हैं और हम सब उन पर विश्वास करते हैं और उसकी फर्दर टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं मानते, उसे कहते हैं फैक्ट। और वैल्यू, वैल्यू क्या है, वैल्यू एक बिलीफ है विच इज़ समथिंग इज़ गुड और डिजायरेबल, जो बताता है कि जो अच्छी चीज़ें हैं और जो होना चाहिए डिजायरेबल है, ये वैल्यू डिजायरेबल है। इट सेट स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड सेट करता है किसका, फॉर आवर बिहेवियर, हम कैसा बिहेव करेंगे, किस लिए, टू इवेलुएट वेदर आवर बिहेवियर इज़ राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट, मतलब गलत सही के बीच में जो चूज़ करना है वो वैल्यू सिखाती है। और ये वैल्यू आती कहाँ से, सोशल लाइफ जो हमारी है, सोशल लाइफ एंड इंडिविजुअल की जो हमारी पर्सनल लाइफ है उनके बीच के जो लिंकिंग है वो है वैल्यू, वो वैल्यू से आ रहा है। मतलब हम एक इंसान इधर इधर कहीं भी इधर किसी भी कोने में पड़ा हो, ठीक है, अगर वो सोशल लाइफ में सोशल उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो वैल्यू वो नहीं सीख पा रहा है समाज से, तो मतलब सोशलाइजेशन एक प्रोसेस जो ज़रूरी है उस सोसाइटी की वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि वैल्यू वेरी करती है ना सोसाइटी टू सोसाइटी, तो वैल्यू का मतलब एक सेट ऑफ सेट स्टैंडर्ड है, किस लिए, हमें हमारा बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, हमें बताने के लिए कि उनके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट, जो सेट उन्होंने इस्टेब्लिश किया है। ये लिंक तो है ही। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि हम किस चीज़ के ऊपर अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जर्वर रिसर्च कर रहा है तो उसका जो इन्वेस्टिगेटर है उसका कोई भी चीज़, कोई भी थिंकिंग का असर उसकी रिसर्च पर नहीं पड़ना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स दैट द कंक्लूजन अराइव्ड एट अ रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आ रहा है इंडिपेंडेंट होना चाहिए किससे, रेस, कलर, क्रीड, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, रिलीजन, मॉरल प्रेफरेंस एंड पॉलिटिकल प्रीडिस्पोजिशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर। फोकस करने की जरूरत यहाँ है कि यहाँ ये है कि ये सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टिगेटर की, जो वहाँ चेक कर रहा है, जो एग्जामिन कर रहा है ना, उसके ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए हमारी रिसर्च को, उसकी रिसर्च को, जो रिसर्च वो कर रहा है, मतलब उसका खुद का व्यू वहाँ नज़र नहीं आना चाहिए, जो एक्चुअल में वहाँ दिख रहा है वो उसी के टॉपिक पर वो रिसर्च करे, उसे ही लेके आए हकीकत में। इफ़ हिज रिसर्च इज़ ट्रूली ऑब्जेक्टिव इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एलिमेंट, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट से ये इंडिपेंडेंट होगी, एनी पर्सनल डिजायर एंड उसकी, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वर हमने भेजा है या गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसका खुद का पर्सनल व्यू नहीं देखना है, उसका देखना है कि जो टॉपिक वहाँ है, जो चीज़ें वहाँ हैं उन्हें ही उसे बताना है। तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यही है।